साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पेड़ों को काटने और उन्हें प्रोसेस करने वाली कुछ एडवांस मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वुड क्रैकर। ये एक कमाल की मशीन है जो कि ट्री हार्वेस्टिंग का काम करती है। ये मशीन पेड़ों को काटने के लिए एक हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करती है। पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले ये मशीन एक पेड़ को अपनी आर्म्स में पकड़ती है और फिर इसमें नीचे लगा कटर पेड़ को काट देता है, और फिर यह मशीन इस पेड़ को धीरे से साइड में रख देती है। इस तरह से ये मशीन पेड़ों का सफाया काफ़ी तेज़ी से करती है। ये है चेनिंग ब्रश। इस एडवांस टेक्निक की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया एक बार में ही किया जा सकता है। इस टेक्निक में पेड़ों को काटने के लिए एक लोहे की मोटी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन को दो भारी व्हीकल के बीच में लगा दिया जाता है और फिर इन व्हीकल्स को पेड़ों के दोनों तरफ से होकर चलाया जाता है। जैसे जैसे ये व्हीकल आगे बढ़ते हैं, वैसे ही इनके बीच में आने वाले सारे पेड़ फंसकर गिरते जाते हैं। इसकी चेन में फंसने वाले सभी छोटे बड़े पौधे पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस तरह से ये मशीन बड़े बड़े जंगलों का सफाया काफ़ी तेज़ी से कर रही है। ये है डेनिस CIMAF। ये भी पेड़ों को काटने की एक मशीन है। इसमें एक विशेष प्रकार का रोटेटिंग ब्रश लगाया गया है, जिस वजह से ये मशीन काफ़ी तेज़ी से पेड़ों को डिस्ट्रॉय करती है। ये मशीन पेड़ों को ऊपर से घिसते हुए स्टार्ट करती है और उन्हें लास्ट तक पूरी तरह से घिस देती है। ये मशीन पेड़ के जिस भी हिस्से को टच करती है, पेड़ का वो हिस्सा काफ़ी तेज़ी से घिसकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये है AHWI M60। ये भी एक लैंड क्लियरिंग मशीन है। ये मशीन पेड़ों को काटने के लिए एक अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ये मशीन पेड़ों को घिसकर उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग ब्रश लगा है, जिस वजह से ये मशीन अपने सामने आने वाले हर पेड़ को हटाकर वहाँ ज़मीन को साफ कर देती है। इस मशीन में लगे लोहे के गार्ड की मदद से पहले तो ये मशीन पेड़ को आगे झुका देती है और फिर इसमें लगे ब्रश की मदद से ये मशीन उस पेड़ को पूरी तरह से घिसकर डिस्ट्रॉय कर देती है। इस मशीन की मदद से पेड़ों के काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को भी काफ़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, और इस मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों के कचरे को वापस उठाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों का काफ़ी हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। ये है होल ट्री हार्वेस्टर। ये मशीन भी पेड़ों को काफ़ी तेज़ी से काटने का काम करती है। इसमें एक स्पेशल चेनिंग सिस्टम लगा है, जिसमें ये मशीन पेड़ों को फंसाकर एक एक करके काटती जाती है, और इन कटे हुए पेड़ों को ये मशीन पीछे ज़मीन पर इकट्ठा करती जाती है। ये है डूसेंट 255। ये मशीन भी एक एडवांस फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग मशीन है, जो कि पेड़ों को काफ़ी तेज़ी से काटने का काम करती है। ये मशीन स्पेशली जंगल में मौजूद सीधे खड़े पेड़ों को काटने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले ये मशीन सीधे खड़े पेड़ों को अपनी हाइड्रोलिक आर्म्स के जरिए पकड़ती है और फिर इसके नीचे लगे कटर की मदद से ये इन पेड़ों को काट देती है, और फिर ये मशीन इस कटे हुए पेड़ को ज़मीन पर आड़ा पटक देती है, और फिर इसमें लगे व्हील की मदद से इस पेड़ को आगे पीछे चलाकर इसकी सारी टहनियों को हटा देती है। सारी टहनियों को अच्छे से हटाने के बाद ये मशीन अपने कटर की मदद से इस पेड़ को हाथों हाथ एक फिक्स लेंथ के टुकड़ों में काट देती है। इस तरह से ये अकेली मशीन कई मशीनों का काम एक साथ कर देती है। इस मशीन की प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मशीन एक घंटे के अंदर करीब 100 से ज़्यादा पेड़ों को काट सकती है। ये है परफेक्ट ट्री सो। ये भी पेड़ों को काटने की एक मशीन है। इस मशीन में आगे की तरफ एक वी शेप में सो लगी होती है, जिसकी मदद से ये मशीन पेड़ों को काटती है। इस मशीन के सो को पेड़ों के पास लगाकर इस मशीन को आगे पीछे चलाया जाता है। दो तीन बार आगे पीछे चलाने के बाद पेड़ कटकर खुद ही ज़मीन पर गिर जाता है। ये मशीन पहले काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, फिलहाल इन मशीनों का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। यह है स्टंप रिमूवर। अब तक आपने सिर्फ इस वीडियो में पेड़ काटने की मशीनें ही देखी है, लेकिन पेड़ों को काटने के बाद उनके स्टंप ज़मीन में रह जाते हैं। पेड़ों के इस बचे हुए हिस्से को ज़मीन से निकालने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पहले तो धीरे धीरे स्टंप को डिस्ट्रॉय करती है और फिर लास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद ये इन्हें ज़मीन से बाहर निकाल देती है। इस तरह से ये मशीन पेड़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। यह है स्टंप ग्राइंडर। पेड़ों के काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस एक और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्टंप ग्राइंडर कहते हैं। इस मशीन में नीचे की तरफ शार्प ब्लेड्स लगी होती है, जो कि इसकी ग्राइंडिंग को काफ़ी आसान बना देती है। ये ग्राइंडर पेड़ के बचे हुए हिस्से को
जमीन के काफ़ी अंदर तक ग्राइंड कर देता है, जिस वजह से पेड़ों का नामो निशान तक मिट जाता है। यह है वुड चिपर। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ी को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई पावरफुल क्रशिंग रोलर लगे होते हैं। इस मशीन में एक क्रेन होल्डर के जरिए लगातार लकड़ियाँ डाली जाती है। ये रोलर इन लकड़ियों को काफ़ी तेज़ी से क्रश करते जाते हैं और इन क्रश की गई लकड़ियों को ये मशीन एक पंप के जरिए काफ़ी दूर इकट्ठा करती जाती है। ये मशीन इतनी फास्ट है कि एक दिन में ये मशीन हज़ारों टन लकड़ी को प्रोसेस करके उसका पाउडर बना देती है। लकड़ी के इस पाउडर को ट्रक के जरिए ट्रांसपोर्ट करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। वहाँ इस पाउडर का इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। यह है नॉरवुड सॉ मिल। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से प्राप्त की गई लकड़ी को प्रोसेस करके उनसे फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ निकालने में किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन एक गोल लकड़ी को चारों तरफ से काटती है। ये मशीन इस लकड़ी को चारों तरफ से काटकर इसे एक स्क्वायर शेप दे देती है। फिर इस स्क्वायर बची हुई लकड़ी को ये मशीन एक एक करके पतली पतली स्लाइड्स में काटती जाती है। इस तरह से बनाई गई प्लेन लकड़ी की स्लाइड्स का इस्तेमाल वुडन फर्नीचर बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। और आपको ये सभी मशीनें कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।